हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं जहां आपको नहीं पता चलने निकल चुके हैं हैदराबाद से है। और पता नहीं ये डेस्टिनेशन क्या है। मुंबई के रास्ते से होते हुए हमारी गाड़ी गुजर रही है नागपुर की तरफ। आप गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग इस सफर में चार लोग हैं, मिलिए विस्की ब्लॉक से, और हमारे पिताजी और हमारी माताजी। तो अभी हम लोग आधे रास्ते नहीं आए हैं। कहाँ तक आए हैं, कितना किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया बड़े भैया? 135। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे। फर्स्ट स्टॉप हमारा है पेट्रोल पंप, और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। कम से कम अभी 12:30 हो गए हैं, मैं 11:30 बोल पा रही थी। बहुत धूप है बाहर। अभी मैंने अभी बहुत स्ट्रेच कर दिया है गाड़ी, मतलब 306 किलोमीटर लगभग चला लिया। अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी। तो अभी हम लोग गाड़ी का बोनेट खोल दिया ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। इसमें से बहुत हीट निकल रही है अभी भी। और ये पेट्रोल पंप काफ़ी साफ़ सुथरा है, और यहाँ ठंडा पानी मिल गया मम्मी को। मुँह धो रही हो क्या? लेकिन पीने का पानी लिखा है मम्मी, एकदम कूल है। तो अभी हम बीच में कहीं रुके हैं, और हमारी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया। और मुझे तो पता नहीं चला, मैं इतनी देर से चला रही थी। जैसे ही भैया के हाथ में आई गाड़ी, तो उनको पता चल गया कि भैया टायर पंचर है। और हैवी ड्राइवर्स को भी पता चलता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। तुम लोग फाइनली वापस चल दिए हैं गाड़ी पे। हम लोग का जो टायर था वो हम लोगों ने चेंज कर लिया है, दूसरा टायर में हवा भर लिया है, और गाड़ी भी चल रही है। और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। अभी बड़े भैया ड्राइव कर रहे हैं और पापा आगे बैठ गए हैं। मम्मी पहले की तरह पीछे बैठी हैं, और अभी पंचर था भी नहीं बहुत, मतलब पंचर दिखाई भी नहीं दे रहा इसमें पंचर कहाँ है। तो इसलिए टायर चेंज करना वो सब मेरा ऑप्शन तो वो हो गया है। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग हैं कौन से स्टेट में बाबा? अभी हम लोग महाराष्ट्र में है। तो हम लोगों ने तेलंगाना क्रॉस कर लिया है, महाराष्ट्र में है अभी। महाराष्ट्र में क्रॉस करेंगे थोड़ी देर बाद, फिर मध्य प्रदेश में घुसेंगे। तो आप गेस कीजिए कि कौन से स्टेट में हम लोग फाइनली जाके रुकने वाले हैं। तो हो गया लंच टाइम, हमारे पास है इडली सांभर। सब लोग ऐसे बैठ के खा रहे हैं, और मैं खड़े होकर खा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टैमिना रहता है तो मैं खड़े होते हैं। बाकी लोग क्या है ना, बैठ के खाने में उन लोगों को मज़ा आता है, मेरे को घूम घूम के खाने में मज़ा आता है। सो भी लंच करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे वापस। हम लोग खाने के बाद चल चुके हैं। हम लोग का खाना बहुत टेस्टी हो गया है, और हम लोगों ने सांभर और इडली खा लिया है। और अभी हम लोग वापस से अपने सफ़र पे स्टार्ट कर चुके हैं। रसगुल्ला भी खा लिया हम लोगों ने, रसगुल्ला भी खा लिया है। और हमारे पास अभी गुलाब जामुन रखा है, केक रखा हुआ है, वो भी होम मेड दोनों चीज़ें। और अभी हम लोग वो भी खाएंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़े ब्रेक के बाद। और अब बारिश भी यहाँ पे होने लग रही है, जैसे आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। बट हम लोग खिड़की खोल के नहीं चला सकते, बिकॉज पानी अंदर आएगा। हम लोगों ने महाराष्ट्र को क्रॉस कर लिया,
अभी हम लोग वहीं से क्रॉस करेंगे। मौसम काफी अच्छा हो रखा है और ट्रक क्रॉस कर रहा है रोड। हम लोग भी और हम ढूंढ रहे हैं अभी चाय की दुकान। हाय गाइस, वेलकम टू सियोनी। काफी लंबा सफर हम लोगों ने तय किया है और अभी हम लोग मध्य प्रदेश के सियोनी सिटी में हैं। और सियोनी एक्चुअली फेमस है यहाँ के टाइगर रिजर्व्स के लिए, और अभी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व एंटर नहीं किया है। शाम के ऑलरेडी 6 बज रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं पहले एक चाय की चुस्की हो जाए। और हम लोगों ने अभी गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी की है, थोड़ा इंजन ठंडा हो जाए क्योंकि सवेरे से चल ही रहा है। प्लस लुक व्हाट आई फाउंड, क्यूट क्यूट चिक्स। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चाय यहाँ से पियेंगे। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं ना, सियोनी लिखा हुआ है, तो यहाँ से सीधे जाएंगे तो सियोनी आ रहा है। वैसे तो सियोनी हमने एंटर कर लिया है, सियोनी सिटी, बट द मेन जंगल जो है वो अभी हम लोग टच करने वाले हैं। और यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी सारे ट्रक्स चल रहे हैं यहाँ पे, और एंटर करते ही मध्य प्रदेश पूरा ग्रीनरी नज़र आता है, तो काफ़ी मन हरा हरा हो जाता है। हाँ, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद लाइक यू नो रोड ट्रिप, स्पेशली इन दिस एरिया, ये वाला सियोनी का एरिया बहुत स्वीट लगता है। गाड़ी ख़राब हो गई है, धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक जा रहे हैं। तो ये आ गई हमारी चाय। पापा चाय ले लो पहले आप। चाय की चुस्की ले रहे हैं हम लोग सियोनी से पहले। और चाय की मत बोलो, चाय अच्छी है। अभी हम लोग मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं और चाय पी रहे हैं। जंगलों में घुसने से पहले थोड़ा फ्रेश होना, आधा जंगल हमने कवर कर लिया और फ्रेश जंगल में हुआ जाता है। नहीं नहीं, मतलब फ्रेश मूड से, वैसा मतलब नहीं था मेरा। यहाँ पे रुकना मना है जंगलों के बीच में। तो हम लोग आ गए हैं सियोनी में और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी स्टे करेंगे, बिकॉज काफ़ी लंबी जर्नी है, 2 दिन हम लोग को ड्राइव करना है पूरा। तो हमने सोचा है कि सियोनी में हम लोग स्टे करेंगे और फिर मॉर्निंग में हम लोग वापस जर्नी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आए हैं एक होटल देखने के लिए, देखते हैं सर प्राइसिंग क्या है और कैसा एम्बियंस है, पसंद आता है कि नहीं। और मेन हाईवे के ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेफर किया है। देखते हैं व्हाट आर द प्राइसिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं कौन सा रूम है। तो ये है रूम, ऐसा है, वहाँ पे एसी लगा है, मिरर भी है, और इधर का एसी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग दूसरा रूम देख रहे हैं, अगर दूसरा रूम मिलता है तो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आज मॉर्निंग हो गई है। अभी हम सब लोग उठ गए हैं, मैं सबसे पहले उठी थी, और अभी थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग पी रहे हैं ताकि फ्रेशनेस आए बॉडी में, और उसके बाद फिर अभी हम लोग थोड़ा सा रेडी होकर निकलेंगे। नींद बहुत मस्त है, पता ही नहीं चला, एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। सिर्फ जब कॉल्स आने लग गए या फिर मम्मी बोलने लगी उठो उठो उठो, तब मन करा तो थोड़ा और सो जाए, बिकॉज 2 दिन की नींद पूरी करनी थी एक ही दिन में, बट अभी हो गई है नींद पूरी। अभी ठीक है, थोड़ा ब्रश कर रही है, कुछ खाए है, उसके बाद से निकलेंगे। सब लोगों ने नहा धो लिया है, थोड़ा सा कुछ हल्का चाय वाय पी लिया, और अभी हम लोग निकलेंगे वापस सियोनी से। अभी हम लोग मध्य प्रदेश में, हम लोग मध्य प्रदेश में स्टे किया, होटल काफ़ी अच्छा बन गया हम लोग को। और हाँ, अभी हम लोग निकलेंगे और बढ़ेंगे MP से निकलेंगे, फिर देखते कहाँ बढ़ते हैं। बंद कर देते, काफी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ। तो हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया और धूप काफी अच्छी लग रही है मुंह पे, अभी तो अच्छी लग रही है, जैसे जैसे दोपहर होने लगेगी वैसे वैसे चुभने लगेगी, बिकॉज ऑलरेडी अप्रैल। कार की बाहर से क्लीनिंग हो रही है,
अभी हम लोग मजे से चलाने के लिए निकल रहे हैं और वैसे कल का टाइम ही हो गया सेम टाइम 8:15 बजरंग बली की जय बजरंग बली की जय तितली मैंने स्पॉट की है अपने कार पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं, कहाँ गए बड़े भैया? चेंज ऑफ प्लान। चेंज ऑफ प्लान, हम लोग सीधे जा रहे थे इलाहाबाद, अभी हम लोग टर्न कर रहे हैं मैयर देवी की तरफ, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि पहाड़ पे मंदिर है। तो अभी हम लोग के सामने से एक रास्ता मुड़ने वाला है, यहाँ से एक रास्ता भी मुड़ने वाला है मैयर देवी के लिए। तो देखते हैं हम लोग आगे से मुड़ेंगे या फिर और पीछे जाके सीधे से मुड़ेंगे या कैसे, और वहाँ पे दर्शन करेंगे। आगे से ही मुड़ जाएंगे यहीं से, और 20 मिनट का रास्ता है मैयर देवी, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा दर्शन करके। फिर प्रयागराज किस देवों की नगरी बोलते हैं? प्रयागराज को किसकी नगरी बोलते हैं? मालूम है, वहाँ पे बोलते हैं कि संगम है प्रयागराज में, बोलते हैं मतलब है। हम लोगों ने पहले भी स्नान किया है, हम आज भी हम लोग शायद करें, इट माइट बी पॉसिबल। जब हमारे साथ हमारी माता जी है तो सारे प्लान्स चेंज हो सकते हैं, सारे प्लान्स मॉडिफाई हो सकते हैं, और मजा भी आ सकता है, नहाने भी मिल सकता है संगम में, नींद भी आ सकती है।